नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल लेते हैं, मैडम तुसाद म्यूजियम, जो कि लंदन में स्थित है। यहाँ मोम के पुतले लगे हुए हैं। यह 1835 में मैरी तुसाद ने स्थापित किया था। यहाँ पर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या रॉय, प्रभास और वरुण धवन के पुतले लगे हुए हैं। जो नरेंद्र मोदी का पुतला है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का, वो पुतला किन किन के बीच में लगा हुआ है? जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरून और यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच में लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है, बजरंग पूनिया व विनेश फोगाट के लिए कुश्ती महासंघ ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की सिफारिश की है। तो देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है और इस पुरस्कार की शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से किया गया था। इसमें क्या क्या दिया जाता है? एक पदक है, एक प्रशस्ति पत्र है और 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनको रेलवे में मुफ्त पास की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को शताब्दी व राजधानी गाड़ियों में प्रथम व द्वितीय श्रेणी में वातानुकूलित कोचों में फ्री यात्रा कर सकते हैं वो लोग। और यह किस प्रकार का पुरस्कार है? सिविलियन या नागरिक प्रकार का, और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। यह कब स्थापित किया गया था? 1991-92 में। और प्रथम अलंकरण इसका कब दिया गया? 1991-92 में उसी टाइम दे दिया गया था। और प्रदाता कौन है? भारत सरकार देती है, भारत की गवर्नमेंट देती है। और नगद पुरस्कार इसमें कितना दिया जाता है? 7.5 लाख रुपये। और प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और पिछला पुरस्कार किसको दिया गया? मीराबाई चानू, जो रेसलर थी, और विराट कोहली, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अब इनकी वरीयता देख लेते हैं। सबसे पहले वरीयता पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही हैं और दूसरे नंबर पे अर्जुन अवार्ड है। आगे चलते हैं। विमान बांग्लादेश, जो कि एक बांग्लादेश की एविएशन कंपनी है, जो 5 साल बाद में दिल्ली और ढाका के बीच में सीधी उड़ान दोबारा शुरू करेगी। और जो ढाका के अंदर जो हवाई अड्डा, उसका नाम क्या है? हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक गूगल की डीप माइंड सहायक कंपनी है और इसने एक रोबोट बनाया था, एआई रोबोट, मैथ्स के टॉपिक सॉल्व करने के लिए, लेकिन यह टेस्ट में फेल हो गया है। एआई क्या होता है? एआई एक कंसेप्ट है जिसके तहत मशीन को बुद्धि की तरह सोचने के लिए बनाया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और यह इससे मनुष्य की जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। टाइटन डेजर्ट रेस है, जो मोरक्को के रेगिस्तान में चल रही है अभी। यह शुरू हो गई थी 28 अप्रैल को और समाप्त होगी 3 मई को। और यह कितने किलोमीटर की होती है? 640 किलोमीटर की। और 17 देश के 675 साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं इसके अंदर। और यह 2006 में इसका पहला एडिशन हुआ था और 2019 के अंदर 14 एडिशन हो रहा है। इसके अंदर 100 किलोमीटर के 6 स्टेज होते हैं और इस बार 90 महिलाएँ भाग ले रही है। और ये 6 स्टेज कितने कितने किलोमीटर के होते हैं? 109 किलोमीटर का है पहला, दूसरा 105, तीसरा 118, चौथा 119, पांचवा 125 और छठा 64 किलोमीटर का है। मोरक्को को मैप में देख लेते हैं। इसका पड़ोसी देश है अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा। मोरक्को की राजधानी है रबात। आगे चलते हैं। भारत में 8वीं एशियन रोड पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते और 3 मेडल जीतने वाले कौन थे? दिवी शाह, एम के 5 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता और बीएसएफ के सुधाकर मराठे और गुरुलाल सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और सुधाकर की कैटेगरी थी हैंड साइकिलिंग में H5 और गुरुलाल सिंह की कैटेगरी थी MC9। चलिए आगे चलते हैं। चीन के मालोक वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियन बने और ये लोग तीसरी बार चैंपियन बने। मालोक इनका नाम है जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय खिलाड़ियों ने युगांडा पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 11 गोल्ड मेडल सहित 27 मेडल जीते। पैरा का मतलब होता है विकलांग, जो विकलांगों का एक बैडमिंटन जो एक प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर भारत ने 11 गोल्ड मेडल सहित 27 मेडल जीते हैं। और आजकल नया शब्द निकला है पैरा के लिए, दिव्यांग भी कहते हैं। और ये लोगो है युगांडा पैरा ओलंपिक कमेटी का। भारत के एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं सात्यान, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुँच गए हैं और इतने ऊपर रैंकिंग में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय हैं।
और आईटीटी ऐप द्वारा जारी की जाती है रैंकिंग, और दो खिलाड़ी और है, शरत कमल जो कि 46वें स्थान पर है और मणिका बत्रा जो 59वें स्थान पर है, साथ ही जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। फिर है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हिन्ना सिद्धू और अंकुर मित्तल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। तो ये हिना सिद्धू है, ये अंकुर मित्तल है, और हिना सिद्धू ने 2013 के वर्ल्ड कप के फाइनल में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था और ऐसे करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इन्होंने और भी अवार्ड जीते, 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता था और 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। चलिए आगे चलते हैं। एक दर्रा है जो जिला जो जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर से लेह को जोड़ता है और यह दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह हर साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि यहाँ भारी बर्फबारी होती है जिसके कारण यहाँ पे बर्फ जम जाती है, 40 फुट की एक लेयर जम जाती है, तो बंद हो जाता है। तो उसको अभी हाल ही में खोला गया, इसलिए ये चर्चा में था। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? बीआरओ की। और बीआरओ क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है? ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके अंदर रोड बनाने का काम यही करता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होता है और वहाँ पर ज़्यादा भूस्खलन वगैरह आते हैं तो रोड टूटते रहते हैं। तो इनको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था और यह इसी क्षेत्र में कार्यरत है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 के अंदर। और ये लोगो है उसका, पहाड़ी बनी हुई है त्रिभुज के अंदर। पश्मीना ऊन है जो कश्मीर से संबंधित है और ये सम्राट अशोक के समय से ये प्रसिद्ध थी। और पश्मीना नाम एक फारसी भाषा के शब्द पश्म से लिया गया, जिसका मतलब होता है सही तरीके से या रीतिबद्ध तरीके से बुनाई करना। और यह जो है इस 15वीं शताब्दी में शासक जैनुल आबादीन ने शुरू किया था, जिसको इस उद्योग का संस्थापक कहा जाता है। यह निर्माण तो उनसे पहले भी चल रहा था, 3री शताब्दी के पूर्व में भी देखा जा सकता था। यह एक विशेष प्रकार की मतलब ऊन होती है और यह पहाड़ी के ऊपरी भाग में पाए जाने वाली बकरी से उसके उतार कर बनाई जाती है। तो यह शाही महत्व का प्रतीक है। जो पश्मीना शॉल वगैरह आती है कश्मीर के अंदर, आप चित्र में देख सकते हैं, उसके ऊपर जो बुनाई कताई कढ़ाई वो विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। यह आईएएस में भी 2014 के अंदर पूछा हुआ था पश्मीना के लिए, तो किससे संबंधित है, उसमें उत्तराखंड दे रखा था जो गलत था। आगे चलते हैं। एक देश है बुर्किना फासो जो अफ्रीका का एक देश है और इसकी राजधानी कौन सी है? ओंगा डेंगू। और इसकी राजभाषा है फ्रांसीसी, यहाँ फ्रांसीसी बोली जाती है। और इसकी स्थिति देख ले, इसके पड़ोसी कौन कौन से देश है? एक तो माली इसके टच में, नाइजर है, नाइजीरिया है, बेनिन है, टोंगो है, घाना है, आइवरी द कोस्ट कोटे द आइवरी है, ये सभी इसके टच में देश हैं। तो इसमें कौन कौन से? एक लैंडलॉक कंट्री है जो जमीन से स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश का मतलब होता है यह किसी समुद्र से टच नहीं होता है। और इसके उत्तर के अंदर माली है जो हमने देख लिया, पूर्व के अंदर नाइजर है, उत्तर पूर्व में बेनिन है, दक्षिण में टोंगो है और घाना है, और दक्षिण पश्चिम में कोट द आइवोर है। अब देखते हैं जापान का इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता, जिसके अंदर मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले की एक छात्रा है रौनक पांडे, वह जाएगी जापान। और इसका साइकिल विद ब्रूम मॉडल के लिए ये मतलब चुनी गई है। इसके साथ में 18 छात्र छात्राएं और हैं। और हिमाचल के सोलन जिले में सुल्तानपुर के नज़दीक लाडो गांव में मानव भारती यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हनुमान जी की 156 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। ये जो दिख रही है और ये रौनक पांडे है जो चित्र में दिख रही है। आगे देखते हैं। यूएसए में चिल्ली के वैज्ञानिकों ने 15,600 साल पुराने मानव पांव के निशान खोजे। तो कहाँ पर खोजे मानव पांव के निशान? यूएसए के अंदर चिल्ली के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने। अब चिल्ली की स्थिति देख लेते हैं। चिल्ली ये रहा, आपको एक स्ट्राइप के तौर पर दिखाई देगा। इसके इस साइड में तो है एंडीज पर्वत और इस साइड में प्रशांत महासागर। इसकी राजधानी है सैंटियागो और आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। इसकी मुद्रा है चिलियन पेसो। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।